देखिए अभी हम लोग मेरठ में हैं, थोड़ा सा आगे होकर बोलते हैं। और मेरठ में जो विधानसभा का आम चुनाव की जो विधानसभा है उनमें हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूती से लड़ेंगे। और आज एक जिम्मेदार साथी जो समाजवादी पार्टी छोड़ के हमारे साथ जो है वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और पार्टी जो है उनके सम्मान का और इनके हितों की रक्षा जो है और उनको आगे बढ़ाने काम पार्टी करेगी। अभी कुछ ही देर में पार्टी की जो है ना पहले फेज की लिस्ट जो है जारी होगी, और मैं समझता हूं कि हमारे प्रत्याशी जब मैदान में उतरेंगे तो वो अपनी मेहनत से एक अच्छा रिजल्ट जो है ना उत्तर प्रदेश में चुनाव में देंगे। और मैं ये भी समझता हूं कि ये जो परिवार जिसको मैंने गले लगाया ये हमारा परिवार है, और ये भी इस परिवार को भी दुख है, पीड़ा है, इनके साथ धोखा हुआ है, और ये धोखा वहीं से हुआ जहां से मेरे साथ धोखा हुआ था। तो मैं अपने भाई से कहता हूं कि आप, हम सब साथ हैं, आप चिंता मत करो, आप किसी के भरोसे मत रहो, हम बहुजन समाज बहुत मजबूत है, वो अपनी लड़ाई अपने भरोसे लड़ेगा और चुनाव बहुत अच्छा होने वाला है। और आपको देखने मिलेगा कि लड़ाई मंडल और कमंडल की है, और इसमें मंडल की जीत होगी और कमंडल की हार होगी। धन्यवाद। ये जो एक तरह से जिस पार्टी से आप कह रहे हैं कि धोखा मिला, उसी पार्टी के जो अन्य नेता है उनको साथ लेके चल रहे हैं, ये क्या कोई एक नई रणनीति है क्या है? और धोखा क्या है? देखिए धोखा जिनको बताया गया और तय किया गया कि आपको आगे बढ़ने का अवसर देंगे, और फिर उनको जो है अंतिम समय पे जो है उनको धोखा देके उनको निराश कर देना, ये धोखा ही है। मतलब पहले कितनी सीटों पर बात हुई थी, लास्ट में क्या बात हुई? वो उन सब पे मैं बात रख चुका हूँ, वो बात चीजें पुरानी होगी। अब तो आजाद समाज पार्टी अपने दम से लड़ रही है, और अभी आपको जानकारी मिलेगी जो दूसरी पीसी मेरी है कि एक बड़ी संख्या में छोटी छोटी पार्टियों का दल जो है वो आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर उत्तर वेस्ट में चुनाव लड़ेगा। ये पार्टी का फैसला है, और जो पार्टी का फैसला होगा मैं और वो साथी उस फैसले का स्वागत करेंगे। चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, तो क्या उस पे कहना है? लेटर जारी हुआ है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैंने भी अभी आपसे पहले देखा, और जैसे मैंने कहा कि पार्टी के आदेश का मैं सम्मान करता हूँ, और मैं पिछले 5 साल से भी लड़ रहा हूँ। अगर कोई उत्तर प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा था तो चंद्रशेखर आजाद था, और आगे भी लड़ूंगा इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। और मैंने जैसा आपको बताया कि अब मुख्यमंत्री को एहसास होगा कि लड़ाई सीधी। जी पार्टी ने आदेश किया और मैं उसका समर्थन करता हूँ, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, मैं लड़ूंगा। चंद्रशेखर जी आप भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी टीम मैदान में होगी जाहिर तौर पर, तो भाजपा को इससे फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? मैं समझता हूँ सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो ये बात आप दूसरी पार्टी जाकर पूछे, मैंने तो प्रयास किए। आप लड़ रहे हैं, आप कहते हैं बड़ा भाई अकेले, मेरा मैं उस दल के साथ जाना चाहता हूँ जो भाजपा को हरा दे। अब तो मैं अपनी पार्टी को ताकतवर बना रहा हूँ, और अपने साथियों को जोड़ के हम विकल्प बनाएंगे, क्योंकि जिन नेताओं को आज जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं, उनकी 5-5 साल सरकारें रही हैं, आपने देखा उन्होंने क्या किया। अगर सबसे ज्यादा दलितों को नुकसान किसी सरकार में हुआ तो वो अखिलेश जी की सरकार थी, ये मुझे और आपको अच्छी तरह से पता है। चंद्रशेखर जी, मैं अनमोल TV9 से, और मैं ये जानना चाहता हूँ आप गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मकसद है, क्या मोटिव है उसके पीछे, और क्यों आपने उसी सीट को चुना? देखिए मैं समझता हूँ पार्टी का आदेश है, और पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। मैं भी पार्टी कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी के आदेश का निरादर नहीं कर सकता हूँ, और जो पार्टी ने आदेश दिया वो सोच समझ के दिया होगा। मैं समझता हूँ कि अगर विपक्ष ये समझती है कि मैं कमजोर उम्मीदवार हूँ तो वो खुद उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और वो नहीं उतरते तो मैं मजबूती से अपना चुनाव लड़ूंगा। मैं तो चाहता हूँ अखिलेश जी लड़े, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है विपक्ष का नेता जो समझता है कि वो ताकतवर है वो जाके लड़े, या फिर हमें भरोसा है कि हमने 5 साल भी उनके खिलाफ लड़ा और आगे भी लड़ा। मैं समझता हूँ कि बसपा से आगे बढ़ के हम बहुजन समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, और अभी कुछ ही दिनों में इसके परिणाम जो है आपको धरातल पर दिखाई देंगे, क्योंकि वोट तो जनता को देनी है, और जनता ने सभी को देखा है, कोई ऐसी सरकार नहीं जिसको ना देखा हो। यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव आप लड़ेंगे? यूपी में बहुसंख्यक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कुछ छोटी छोटी पार्टियों को जो हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहती है उनको भी तैयार किया है, हम अपना मैनिफेस्टो भी आज जारी करेंगे, और हम विकल्प बनेंगे क्योंकि हमने काम किया है, और जनता हमें अवसर देगी क्योंकि हमने जब 5 साल में कभी जनता को निराश नहीं किया तो जनता हमें निराश नहीं करेगी। मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या होगा जो यूपी के वोटर आपकी तरफ आकर्षित हैं? देखिए मैं समझता हूँ हमने बहुजन समाज के सभी वर्गों के हितों को उसमें जोड़ा है, और मैं एक जानकारी आपको दे देता हूँ कि सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है आम आदमी, क्योंकि वो सेस भी देता है, रोड टैक्स भी देता है, और फिर वो टोल टैक्स भी देता है। तो हमने हमारे मैनिफेस्टो में एक लाइन बताता है कि हम टोल टैक्स जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री करेंगे, जिससे आम जनता को महंगाई की
कुछ जो है मार जो पड़ रही है वो कम हो और एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो सस्ते करेंगे। जो बुनियादी मुद्दे जिनसे आम जनता प्रभावित होगी हम उन पर काम करेंगे। जी मैम पूरा मैनिफेस्टो जारी करूंगा, उसमें आप देखिएगा, उसमें सब चीजें। धन्यवाद।